बहुत बढ़िया बात हुई, और उत्साह हो राजस्थान पूरे में, थोड़ा बहुत ही भ्रम था वो भी खत्म हो गया, अब कांग्रेस रिपीट होगी इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे जिले का कार्यक्रम है, सभी नेता आएंगे, सभी कार्यकर्ता आएंगे, सभी, इसमें कोई अकेला कार्यक्रम नहीं है, सबका कार्यक्रम है। अच्छा दूसरी बात ये कि प्रदेश से कौन कौन नेता यहाँ आ रहे हैं सर? अब उनके साथ में कौन कौन से आएंगे ये तो आपको मैं आने पर बता पाऊंगा, और कल बतावाएंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे, बाकी यहाँ के हमारे नेता यहाँ के सारे रहेंगे, और भी कोई मंत्री वगैरह आएंगे या हमारे प्रभारी महासचिव भी आ सकते हैं। टीम अभी 4 दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके केंद्रीय मंत्री और सारे आए थे जन आक्रोश रैली करके, वो उसमें आपने वो भी देखा होगा कितना उसमें जन था और कितना आक्रोश था, वो सारा आपने वो भी देखा होगा, और हमारी ये रैली भी देख लेना कि जनता क्या चाहती है और जनता किसे पसंद कर रही है। जनता ये जो शानदार योजना है, इस योजनाओं का लाभ आम जन तक मिल रहा है, चाहे सड़कों की बात करो, बिजली की करो, चिकित्सा की करो, जो शानदार बजट हर क्षेत्र में जो मिल दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जनता खुश है, राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस की। ये बताइए रिजुल तो है पर भाषण देने वो टाइम हम लोग बैठे दिखेला ए तो खुलेला ए खुलेला सुनो फिर भी ए खुलेला ए खुलेला नींद को आपको कई ऊंचो कियो तो कियो ना साहब के दिखे एक एक ना पूरी लिंगोड़ी अच्छा ले ले सारी दिखली ना ये बात आप देखो थे वो तेरा करे वो देखो हां हर मीटिंग में साहब रोम रे बात करो रैम बुकिंग आगे रैम आगे रैम बुकिंग हम पसंद है कि नहीं हम नहीं जाते हैं बढ़िया अपना वो महंगे नहीं थे तो वहां तो है ये तो है वो वीडियो भी बात कर बड़ा सस्ते दुगना नहीं नहीं खुद से कितने लागे जो मिस्टर मत होता है साहब ए आया चल गए अभी भी अपन बिना लाइट और यानी फल तो शाम तक रुक गया शाम तक हां पूरा देर उधर दोनों साइड पूरी दोनों साइड मीडिया का रखा ये मीडिया मीडिया इधर आपका क्या प्रोग्राम रहेगा, किस तरीके के यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम रहेंगे और कब आ रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्था है? 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बाड़मेर आ रहे हैं, पहले रिफाइनरी का अवलोकन करेंगे और फिर बाड़मेर यहाँ आएंगे, यहाँ आके महंगाई राहत शिविर है उसका अवलोकन करेंगे, उसके बाद में यहाँ बाड़मेर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार बजट राजस्थान में जो दिया है उसके कारण पहली बार यहाँ बाड़मेर आ रहे हैं, बाड़मेर की आम जनता, बाड़मेर के कार्यकर्ता, बाड़मेर के नागरिकों द्वारा उनका अभिनंदन यहाँ आम सभा के माध्यम से किया जाएगा,
और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ लोकार्पण के कार्यक्रम होंगे, शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे और शानदार सभा को माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों में कितना उत्साह है। चौथी बार ये कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, दोबारा ये आप सेकंड की बात करें उनके एक एक बार नहीं, अब कि आपको राजस्थान में हर हालत में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें इफ बट नहीं है। और आप इसके लिए आप देखेंगे परसों के यहाँ इस स्टेडियम में लोग कितने उत्साहित है, किस तरह से स्टेडियम में लोगों में जोश है, उत्साह है, वो भी देख लेना। और पिछले टाइम अभी 4 दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके केंद्रीय मंत्री और सारे आए थे जन आक्रोश रैली करके, वो उसमें आपने वो भी देखा होगा कितना उसमें जन था और कितना आक्रोश था, वो सारा आपने वो भी देखा होगा। और हमारी ये रैली भी देख लेना कि जनता क्या चाहती है और जनता किसे पसंद कर रही है। जनता ये जो शानदार योजना है, इस योजनाओं का लाभ आम जन तक मिल रहा है, चाहे सड़कों की बात करो, बिजली की करो, चिकित्सा की करो, जो शानदार बजट हर क्षेत्र में जो मिल दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जनता खुश है। राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस की। ये बताइए क्या बाड़मेर के अलावा अन्य विधानसभाओं का भी यहाँ पर सभा में? पूरे जिले का कार्यक्रम है, सभी नेता आएंगे, सभी कार्यकर्ता आएंगे, सभी, इसमें कोई अकेला कार्यक्रम नहीं है, सबका कार्यक्रम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्रदेश से कौन कौन नेता यहाँ आ रहे हैं? अब उनके साथ में कौन कौन से आएंगे ये तो आपको मैं आने पर ही बता पाऊंगा, और कल बतावाएंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो साथ में रहेंगे रहेंगे, बाकी यहाँ के हमारे नेता यहाँ के सारे रहेंगे, और भी कोई मंत्री वगैरह आएंगे या हमारे प्रभारी महासचिव भी आ सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरीके की दूरियां थी उसको पाट दिया गया है, तो किस तरीके का अब और बहुत बहुत बढ़िया बात हुई और उत्साह हो राजस्थान पूरे में। थोड़ा बहुत ही भ्रम था वो भी खत्म हो गया, अब कांग्रेस रिपीट होगी इसमें कोई दूर ही नहीं।